Good afternoon guys, welcome back to my channel Krishna English Cottage. Today again we are going to learn very important term that is get enough of, which means मन भर गया है. Guys, बहुत बार हम लोग अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ या फैमिली के साथ बोलते हैं मेरा क्रिकेट खेलने से मन भर गया है, उसका पबजी खेलने से मन नहीं भरता है, मेरा गुपचुप खाने से मन नहीं भरता है, मेरा दोस्तों से बात करने से मन नहीं भरता है. इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए हम इस टर्म का यूज करते हैं गाइस, जो है गेट इनफ ऑफ. तो आप यूज करते हो सेंटेंस और बोल सकते हो जैसे मेरा उससे बात करने से मन भर गया है. आई हैव गॉट इनफ ऑफ टॉकिंग टू हिम. तुम्हारा पबजी खेलने से मन क्यों नहीं भरता है. व्हाई डोंट यू गेट इनफ ऑफ प्लेइंग पबजी. उसका टीवी देखने से मन नहीं भरता है. ही डजंट गेट इनफ ऑफ वॉचिंग टीवी. उसका व्हाट्सएप चलाने से मन नहीं भरता है. ही डजंट गेट इनफ ऑफ यूजिंग व्हाट्सएप. उसका फेसबुक चलाने से मन नहीं भरता है. ही डजंट गेट इनफ ऑफ यूजिंग फेसबुक. तो गाइस, इस तरह के वाक्यों को बोलने के लिए आप इस टर्म का यूज हमेशा करें गेट इनफ ऑफ, जिसका मतलब होता है मन भर गया है. टू लर्न मोर एडवांस स्ट्रक्चर लाइक दिस प्लीज फॉलो कृष्णा इंग्लिश कॉटेज. गाइस, यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल ऑन यूट्यूब दैट इज कृष्णा इंग्लिश कॉटेज. टू लर्न एंड इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश प्लीज फॉलो. कीप रॉकिंग गाइस, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग, कीप स्पीकिंग. थैंक यू.